एंस खाती हम आयल बनी कि जितना से जितना हो सके वो सब मदद करियो बच्चा के। तो 6 महीने तक बच्चा वेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बीमारी बहुत भयंकर भयाना है। सबसे रिक्वेस्ट ये बा कि वो लोग हमार पेमेंट कम कर दी चाहे मत दी, लेकिन वो गाना के पैसा आयांस के खाता में डाल दें, उनका पापा के खाता में डाली ताकि वो लड़का के ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। एक एक रुपया दान अगर पूरी बिहार करेगी तो शायद उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत हो जाएगा। उस मीडिया कर्म प्रभारी, मीडिया के जितने भी प्रभारी हैं, जो लोग इस जागरूकता को फैलाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगते हैं। आज बड़ी दुख के साथ लाए बैल बनी हूँ और इससे जो काफ़ी दिन से आज थोड़ा सा छुट्टी मिला लाम के शूटिंग से, क्योंकि संडे के जी गया कोनो काम ना होला, हैदराबाद में छुट्टी रह ला। बस एंस खाती हम आयल बनी कि जितना से जितना हो सके वो सब मदद करियो बच्चा के, ताकि वो बच्चा जल्दी से ठीक होकर हमनी के बीच में खेलल शुरू कर दे। और हम एक हाथी लाइव बाइल बनी कि हम जितना कंपनी के गाना दी ले आ देता नहीं। सबसे रिक्वेस्ट ये बा कि वो लोग हमार पेमेंट कम कर दी चाहे मत दी, लेकिन वो गाना के पैसा आयांस के खाता में डाल दी, उनका पापा के खाता में डाली ताकि वो लड़का के ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। ऐसे जे एक बात के खुशी भी बा हमके कि जौन आज तक ले कलाकार बंधु से आज तक ले केहू मदद ना करता, कोनो भी आपदा में केहू कहीं ना जाता ला, लेकिन आज अपना कलाकारन पर गर्व होता, हमके कलाकारन पर खुशी भी होता कि हर कलाकार आज कुछ कलाकार, हर कलाकार तो नहीं खन जा पाओ, लेकिन जे भी फ्री बा जे बिहार में बा, हमू रहती तो हमू जेती, लेकिन हमारा टीम से जितना भी हो सकता हम मदद करावे के कोशिश करता नहीं, मदद करत भी बानी, लेकिन हम चाहता नहीं कि हमार कंपनी नहीं तो 25 से 30 गो कंपनी बा, वो कंपनी से रिक्वेस्ट करता नहीं कि आप हमें गाना का पैसा दीजिए मत दीजिए, लेकिन उस बच्चे का मदद करिए ताकि वो हमारे बच्चे, हमारा घर का बच्चा है, हमारे बिहार का बच्चा है और हमारा दायित्व तो बनता है, हमारे भोजपुरी समाज का बच्चा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसका मदद करें उस बच्चे को। अगर हम इतने बिहारी होकर, इतने भोजपुरी भाषा होकर अगर उस बच्चे को नहीं बचाए तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ। और मैं कुछ कलाकार बंधु अपने जो भाई हैं उनको भी ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ को इस मुहिम को चलाए वो और इस हद तक लेकर गए कि आज सब लोग मदद कर रहे हैं। उस मीडिया कर्म प्रभारी, मीडिया के जितने भी प्रभारी हैं, जो लोग इस जागरूकता को फैलाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मुहिम छेड़ा कि हम तक बातें पहुँची, बहुत सारे ऐसे लोगों तक वो बातें पहुँची और उस बच्चे का मदद हो रहा है। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ अपने कंपनी मालिकों से कि आप लोग प्लीज उस बच्चे का मदद करिए, क्योंकि हम सबका बच्चा है वो, अंश का जो अंश है हमारे सबके अंदर है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ जो हमारे संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए, कि आप कुछ जैसे भी कि आप गाना गा रहे हैं, गाना गाने से वो बच्चा नहीं बचेगा, हमें उसका मदद करना पड़ेगा। कि गाना गा रहे हैं इसका पैसा हम सारा YouTube से जो आएगा वो पैसा हम उस बच्चे के मदद के लिए देंगे, जी नहीं। उस अब 6 महीना YouTube के बाद पैसा आई तब नेवता के आटा वाला काम, बाकी नेवता के आटा आई तो पूरी पकी तो लिहित लुखाई, तो 6 महीना तक बच्चा वेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बीमारी बहुत भयंकर भयाना है, बहुत हल्की नहीं है कि वो 6 महीना बर्दाश्त कर पाएगा। तो आप वो गाना ना गा के आप कोई लोक गीत गाइए, देवी गीत गाइए, छठ गाइए, जो भी गाइए, गा के आप कंपनी को बेचकर उस पेमेंट को डोनेट कर दीजिए उस बच्चे के लिए, उस बच्चे का हेल्प हो जाएगा। तो तुरंत हेल्प की ज़रूरत है हमें, गाना गा के 6 महीना वेट तो कोई नहीं करेगा ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये घड़ी जो है हम सबको एकजुट होके, और बड़ी खुशी हो रही है कलाकार बंधुओं से, मुझे बहुत सच में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी शुरुआत में आप लोगों ने इतना मदद तो नहीं किया था, लेकिन आज हर आदमी उस मदद के तरफ जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि विचारधारा बदल रहे हैं समाज के, और सबको बदलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि
हम सबका दायित्व बनता है। ये कलाकार बंधु हो चाहे जो भी हो, वो बनता भी है जनता के आशीर्वाद और प्यार से। और उसी जनता में से वो एक बच्चा है हमारा, कि उसके माँ बाप ने भी हमें कभी प्यार दिया है, देते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उसके दुख और सुख में साथ रहें हम। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कलाकार बंधु से खास करके कि गाना गा के नहीं, गाना गा के बेचिए ना आप। लाख लाख रुपए में, 2 लाख में बेचते हैं, 3 लाख में बेचते हैं, या 5 लाख या 10, जितने में बेचते हैं आप वो बेचकर तुरंत उसके वो डोनेट करिए, तुरंत उस बच्चे के लिए हेल्प करिए, ताकि उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मेरी प्रयास है, मेरी टीम शुरू दिन से लगी हुई है कि सारी फाउंडेशन की तरफ से जो भी मदद हो रहा है। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ अपने कंपनी मालिकों से, जिनके पास मेरा गाना जाता है, आप मुझे पैसा दीजिए मत दीजिए, लेकिन प्लीज़ उस बच्चे का मदद जितना हो सके आप एक गाना मेरे तरफ से लीजिए फ्री, बट वो पैसे उस बच्चे के लिए करिए, ताकि उस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। हमारा तो 10 मिनट का मेहनत है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जीवन बहुत बड़े हैं। तो और मीडिया पर भारी जितने इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितना से जितना हो सके उस बच्चे की मदद के लिए आप अपने इस जागरूकता को जारी रखिए, और ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ और कुछ मदद हो सके सब सके हाथ। और हम सबका दायित्व बनता है, हम इतने सारे लोग हैं, और हम चाहें तो क्या एक बच्चा नहीं बच सकता है। एक एक रुपया दान अगर पूरी बिहार करेगी तो शायद उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार ही नहीं, जहां भी लोग, यूपी, बिहार, झारखंड, मैं जहां भी मेरे अपने संपर्क के लोग हैं, जो कैपेबल हैं, जो कैपेबल नहीं भी हैं, जो 100 रुपये का ही क्षमता है उनकी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आप सब भी रिक्वेस्ट कर और उस बच्चे को बस अपनी गोद में खिलाने के लिए, आजीवन भर प्यार करने के लिए उस बच्चे को एक बलिदान दे दीजिए, आप आशीर्वाद के रूप में दे दीजिए। और मैं भीख मांग रहा हूँ आप सबसे कि उस बच्चे का एक चाचा होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमसे जो हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अगर करिएगा तो शायद उस बच्चे का जीवन बन जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के जीवन के लिए मेरे झोली में भीख डाल दीजिए आप। उस बच्चे के रूप में उस बच्चे को देखने के बाद लगता है कि वो कितना खिलखिलाता चेहरा है उसका, और उस बच्चे को हम आजीवन देखना चाहते हैं, हम जब तक जिए वो बच्चा हमारे बीच में रहे, हम ना भी जिए तब तक वो बच्चा हमारे बिहार का एक नागरिक बन के, आपका बेटा बन के, और आप सबके गोद में खेले। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब, और मीडिया प्रभारी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि उस बच्चे का मदद हो सके। कलाकार बंधुओं को फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ही करने की ज़रूरत है हम सबको कि जो हमें बनाया है उसके बीच में हमें जाकर उसका हेल्प करना चाहिए। ये एक बीमारी की बात नहीं है, जिस भी जो भी प्रॉब्लम में हो हमारे बिहार का नागरिक या यूपी का नागरिक या हमारे भाषा का नागरिक, चाहे वो जिस देश में रहता हो, जिस प्रदेश में रहता हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा लगा, और खेसारी फाउंडेशन को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन जो मेरे से जुड़े हुए हैं, खेसारी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, कि आप लोग शुरू दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस बच्चे के लिए, और करने की ज़रूरत है। ये इस मुहिम को छोड़िए मत, इस मुहिम को चलाते रहिए, इस मुहिम को और आगे तक लेके जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे का मदद हो सके। मैं खेसारी फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि खेसारी नाम जरूर है, लेकिन इस फाउंडेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शुरू डे से इस कार्य को कर रहे हैं। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, और जो भी फाउंडेशन है, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग भी प्लीज़ इस बच्चे के हेल्प के लिए जो कर सकते हैं प्लीज़ करिए। लव यू ऑल, थैंक यू। मीडिया प्रभारी को दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उस बच्चे के लिए, और कर भी रहे हैं, और अभी करने की ज़रूरत है जब तक वो 16 करोड़ नहीं हो जाता है। उस बच्चे को हम वो इंजेक्शन नहीं दिला देते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और ये सबका दायित्व है। प्लीज़ आप लोग उस बच्चे के लिए जो हो सकता है करिए, और कंपनी मालिक हमारे जितने भी हैं, प्लीज़ आप सब लोग जो हो सकता है उस बच्चे के लिए करिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ABP News आपको रखे आगे।